दुनिया भर में WWE रेसलिंग का क्रेज सिर चढ़कर बोलता है। ब्रॉक लेसनर से लेकर जॉन सीना तक की फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। लेकिन क्या आपने कभी MMA फाइट के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट दुनिया का सबसे चर्चित और खतरनाक खेल है। इस खेल में बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, किक बॉक्सिंग के दांव पैंच चलते हैं। इस खेल को खेलने से पहले ही खिलाड़ी से डेथ साइन लिए जाते हैं। दोस्तों, रिंग में लड़ते हुए वैसे तो आपने कई फाइटर्स को देखा होगा, लेकिन शायद ही आपने किसी लड़की को फाइट करते हुए देखा हो जो रिंग में फाइट के साथ साथ अपनी खूबसूरती के कारण लोगों के दिलो दिमाग में छाई रहती हो। आज हम आपको उन 5 फाइटर्स के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप भी इनके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है पेज वानजांत। पेज एक अमेरिकन मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर है, साथ ही ये एक मॉडल भी है। ये ऑरेगन में पैदा हुई और डेटन में पली बढ़ी, जहां इनके माता पिता का डांस स्टूडियो था। इसीलिए इन्होंने 13 साल की उम्र में ही डांस की कई फॉर्म सीखी और फिर ये डांसिंग विद स्टार्स और चॉप्ड जैसे टीवी शो में दिखाई दी। अभी के समय में ये UFC की हॉटेस्ट फीमेल फाइटर हैं। ये UFC में अभी तक कई फाइट्स लड़ चुकी हैं और MMA में हुई 11 फाइट्स में से इन्होंने 7 में जीत हासिल की है। नंबर 4, जूली फिरसो। जूली रसिया की ट्रेंड मॉडल डांसर है और मार्शल आर्टिस्ट भी है। ये मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग की कई फॉर्म लोगों को सिखाती है। समय समय पर ये थाईलैंड विजिट करती हैं और मार्शल आर्ट सिखाती हैं। ये डांसर भी हैं, इसीलिए ये दुनिया भर में डांस क्लासेस भी देती हैं और साथ ही ये ब्यूटी पेजेंट कंटेस्टेंट भी हैं। अभी इनके जूली फिरसो इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। नंबर 3 पर है कुबरा डागली। ये एक तुर्किश मार्शल आर्टिस्ट है जिन्हें 2016 की वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए जाना जाता है। इनके सपोर्ट में पॉपुलैरिटी की वजह से इनके इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हिजाब को लेकर कई बार इन्हें कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने ड्रीम्स को फॉलो किया। 20 साल की उम्र में गोल्ड मेडल हासिल करके इन्होंने ये साबित किया कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो वो कुछ भी कर सकता है। नंबर 2 पर है अनास्तासिया यानकोवा। ये एक रशियन मार्शल आर्टिस्ट है और इन्होंने MMA की प्राइवेट में कम्प्लीट भी किया है। अनास्तासिया मॉस्को में पैदा हुई और 6 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक इन्होंने मार्शल आर्ट सीखा। बाद में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए इन्होंने मार्शल आर्ट छोड़ दी। फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद इन्होंने जिम में किक बॉक्सिंग सीखना शुरू कर दिया और बॉक्सिंग टूर्नामेंट में चैंपियन जीतने के बाद इन्होंने MMA को ज्वाइन कर लिया और अब ये थाईलैंड की अमेरिकन किक बॉक्सिंग अकेडमी में लोगों को क्लासेस देती है। नंबर 1 पर है गीना करानो। गीना करानो करेंटली अमेरिकन एक्ट्रेस, टेलीविजन पर्सनालिटी, फिटनेस मॉडल और फॉर्मर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है। करानो ने मुई थाई सीखने के बाद MMA फाइट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ये ESPN मैगजीन और मैक्सिकन मैगजीन का भी चेहरा रह चुकी हैं। इनका फाइटिंग करियर ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन इन्होंने अपने MMA करियर में काफी नाम कमाया। MMA से संन्यास लेने के बाद इन्होंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया और 2009 को मिशेल जे व्हाइट की फिल्म ब्लैक एंड बोन में दिखाई दी। बाद में इन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस 6 और डेडपूल मूवी में भी काम किया है। सो दोस्तों, ये थी दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत महिला फाइटर। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।